अपना केसरिया बालम, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे, केसरिया बालम आपने सुना? केसरिया बालम मैंने गाया है, रीना जी ने गाया और शिखर ने गाया है। शिखर ने बहुत ही खूबसूरत उसमें आलाप ली है, जो गाने की जान है, और उसमें दीपक सोमी ने मॉडलिंग की है, दोनों के ऊपर पिक्चराइज हुआ है, आपने देखा गाना। इस गाने में बहुत मेहनत की गई है, वो आपको नज़र आ रही होगी, भुज में जाकर शूट किया गया, इतनी बड़ी टीम वहाँ गई, मैं नहीं जा पाया, इसलिए आप मुझे वीडियो में नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। और रीना जी को बहुत बहुत बधाई है कि इतना खूबसूरत वीडियो आपका बन के आया। थैंक यू। कुछ बोलें आप? केसरिया बालम लाइक हमारे लिए तो एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट है, और इसमें लाइक हमारे मेरे फेवरेट कॉन्टेस्टेंट दीपक ठाकुर को लाइक हमने स्टार कास्ट में लिया, उनके साथ जो सोमी खान का एक लव एंगल था वन साइडेड, वो हमें बहुत पसंद था, हमें ही नहीं लाइक बहुत लोगों को बहुत पसंद था, एंड लकीली हम उनसे टच में आके, एंड हम चाहते थे कि वो करें और वो हो गया। एंड अनुज जलोटा जी ने ये गाना, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम भजन एंड गज़ल, उन्होंने गाया इतनी अच्छी तरीके से। आई एम रियली थैंकफुल टू द होल टीम, ऑल्सो शिखर कुमार जी ने जो आलाप दिया और आलाप से चार चांद लगाए गाने को, इट इज़ जस्ट वंडरफुल। एंड आई वुड लाइक टू थैंक आर म्यूजिक कंपोजर उमेश मिश्रा जी कहाँ हैं? आ गए, ये उमेश जिन्होंने इतना प्यारा सुंदर सा गाना बनाया है, और हमारे डायरेक्टर जी सुनील अग्रवाल भाई साहब जो है, उनके बिना तो ये गाना इतने अच्छे से लाइक चार चांद लगे इस गाने को, यू नो, जो उन्होंने शूटिंग करी है। सो ओवरऑल इट्स वेरी वंडरफुल एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, यू नो, फॉर दिस सॉन्ग। और आप सबका शुक्रिया। वेल, देखिए मैं बहुत नया हूँ इंडस्ट्री में, एंड अभी अभी काम करना स्टार्ट हुआ है, तो अनूप सर के आशीर्वाद की बदौलत और डॉक्टर रीना मेहता मैम के जो मेरी सपोर्ट थी, और उमेश मिश्रा सर जो म्यूज़िक डायरेक्टर है गाने के, उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इसमें, और चाहता हूँ कि मैं आगे भी अच्छा ही ऐसा काम करता रहूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू। थैंक यू।